परिवार उलगुलन जी भाषा रतन ही कर सकते उलगुलन जी आंदोलन कार्य को अली सकाते उलगुलन जोर और जिया दिन विभिन्न प्रकार आगुआ हड़को मे आगुआ हड़ी हिंदी में जगह सब लोगों को मुंडेरी परिवार की ओर से जितने भी भाषा परिवार के आए हैं सबको जोहार और सबको बधाई कि आपने ये जो लड़ाई शुरू की है ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूंगा कि जो भी अपने अपने लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने लिए एक बार तो जोरदार ताली मारे। धन्यवाद। कल के दिन नाम किया था कि मुंडेरी लोग मुंडेरी अपने लिए लड़ते थे, संथाली लोग वो अपने लिए लड़ते थे, अपने लिए लड़ते थे, अंगिका अपने लिए लड़ते थे, कसले अपने लिए लड़ते थे, लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि हम आज एक हुए और एक मतलब ये जो हमारे लोगो है एक मुट्ठी है, आज हम एक मुट्ठी बन गए हैं और कल के दिन में ये मुट्ठी तब तक नहीं खलेगा जब तक ये हमारे जो मांगे हैं, ये हमारे जो मातृभाषा इसको संवैधानिक मान्यता जब तक ना मिले हम एक ही रहेंगे, ये आज से हमारा पता रहेगा। जैसे कि आप में बोल रहे थे कि ये हमारे जो भाषाएं हैं ये भाषाएं आज के नहीं है बहुत पुराने हैं, ठीक है, ये बात आपको भी पता होगा कि ये यहाँ जो फोटोज लगा हुए हैं हमारे जो स्वतंत्रता के संग्रामी है बिरसा मुंडा मुंडेरी बोलते थे जैसे, और जो जितने भी हम देख रहे हैं डॉक्टर पेदोसी डॉक्टर रामदेव मुंडा है ऐसे लोग मुंडेरी बोलते थे और ऐसे ही मैं मुंडेरी इसलिए बोलता हूँ कि मैं खुद मुंडेरी हूँ तो आपको ये बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो जो लोग ये जो हमारे भाषा बोल के इतने बड़े बड़े हुए उनको मान्यता मतलब इतना ऊंचा तक नहीं दिया जाता है क्योंकि ये उन कैटेगरी से जिस कैटेगरी का भाषा को मान्यता नहीं दिया गया है, लेकिन लेकिन ये जो जैसे कि बोल रहे थे लक्ष्मीकांत लोकेंद्र जी कि हमारे लोग भी स्वतंत्रता के संग्राम में भागीदारी थे वो भी उनका भी योगदान है आज तो, पर भारत के जितने विकास काम में हमारे सब लोगों का योगदान है, लेकिन हमारे विकास में ये जो भाषा है ये हमारे लिए आज एक प्रतिबंधक बन गया है क्योंकि हम जब से जन्म हुए हैं जो भाषा हम बोलते हैं उस भाषा में हमको पढ़ाई नहीं मिलती है, तो क्या होता है कि हम कमजोर पढ़ाई में कमजोर हो जाते हैं और हमको माना जाता है कि जो शेड्यूल्ड जो भाषाई लोग है वो थोड़ा कमजोर है, हम कमजोर नहीं है मतलब कि हमको कमजोर बनाया गया है क्योंकि अगर किसी कम्युनिटी को आपको पूरा से मार मतलब मार देना है तो पहले उसको भाषा का खत्म कर दो वो अपने आप मर जाएगा क्योंकि आप अगर आपको भाषा ही नहीं होगा तो आप पूजा पाठ किसे करेंगे, आप आपका संस्कृति जो है और आपका जो भी मतलब जो भी संस्कृति है वो अगर भूल गए तो आपका कम्युनिटी खत्म हो जाएगा। ये एक मतलब एक कॉन्स्पिरेसी है कि हमारे अगर भाषा को कमजोर बनाया गया ये भाषा को अगर लुप्त हो गया तो हम एकदम से खत्म हो जाएंगे और ये जो हमारे ऊपर अलग भाषा का जो मतलब अलग भाषा हमारे ऊपर थोपा गया है ये इसी के कारण कि उनका जो भी अपना भाषा है और अपना संस्कृति है वो हमारे ऊपर लाद दिया जाए कि हम उन मतलब वो दुनिया के दरबार में उनका ही नाम रहे हमारा नाम ना रहे, लेकिन ये हम आज ऐसे लग रहा है कि हम उनको ये उनका जो मकसद है उसको हम पूरा नहीं करने देंगे और हमारा जो मकसद है ये तब तक हम छोड़ेंगे नहीं जब तक ये पूरा ना हो जाए, ठीक है। तो जितने भी आए हैं मैं सबको फिर से मेरे आपसे धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन एक बात हमें क्लियर है कि हमारे साथ क्लियर है, ठीक है, हम एक बात क्लियर है कि हमारे साथ क्लियर है और सरकार को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम कितने क्लियर है, जब तक ये मांगे हमारे जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं हो जाती वो क्लियर होना चाहिए कि ये क्लियर हमको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो वी आर क्लियर ठीक से फिर से बोलिए वी आर क्लियर एंड वी आर फायर्ड, ठीक है। तो मैं अभी ये जो प्रदर्शन में जितने भी आए हैं फिर से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और ये अनुरोध करता हूँ कि जब भी ये जो लड़ाई होगी हम आएंगे और साथ देंगे, जितने भी हो सके हमारे ओर से हम साथ देंगे और
तब तक हम आते रहेंगे जब तक कि हमारे सबके सब भाषाएं, जो 10 भाषाएं हैं, सबके सब एड शेड्यूल में ना आ जाए। ठीक है, हमारे लोगों के मुंडेरी भाई हैं, उनके लिए एक स्लोगन में कह देता हूँ कि जय मुंडेरी।